नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 280 करोड़ की 282 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तब कार्य भी होता है अच्छा। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को उन्नवल के नए नगर पंचायत भवन का करेंगे लोकार्पण। दीपावली पर्व के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा महानगर के सभी ज्वेलरी के प्रतिष्ठानों पर एक कांस्टेबल की लगाई जाएगी ड्यूटी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। शातिर चोरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिलास, पेचकस, चाबियों का गुच्छा, 99 ग्राम नशीला पाउडर, 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम सकुशल हुआ सम्पन्न। ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कर रही है अनेकों कार्य। जनपद में नदी व बरसात का पानी समाप्त होने के बाद बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। सीएमओ ने कहा, अभी तक जनपद में पाया गया है 59 डेंगू के मरीज। सबसे ज्यादा मरीज है शहर क्षेत्र में। बचाव के लिए पहने फुल आस्तीन का कपड़ा, सोते समय करें मच्छरदानी का प्रयोग। जनपद में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा कि पटाखों को जलाते समय सूती वस्त्र का करें प्रयोग, पास में रखें बाल्टी का पानी। तीन 3.550 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक शातिर अभियुक्त को रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवंबर से गोरखपुर मंडल के 469 धान क्रय केंद्रों पर शुरू होगा धान खरीदारी का कार्य। जीडी उपाध्यक्ष व संभागीय खाद नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। दीपावली पर्व के दृष्टिगत सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बाहर से आते समय किसी भी व्यक्ति के दिए हुए सामानों को ना खाएं। दीपावली पर ना करें शराब का प्रयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर हो जाता है दुर्घटना। और जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में आई कमी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, कुछ दिनों में नदियों का पानी हो जाएगा सामान्य, बाढ़ हो जाएगा खत्म। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में 280 करोड़ की 282 परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर महानगर के 280 करोड़ के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में सभी नागरिकों, महापौर, सांसद, विधायक और सभी 80 पार्षदों को बधाई देता हूँ और दीपावली की शुभकामना देता हूँ। दीपावली के ठीक पहले नगर निगम के अंतर्गत नए परिसीमन के तहत 80 वार्ड बनेंगे। इन सभी 80 वार्डों के लिए 228 परियोजनाएं लोकार्पण व शिलान्यास हुई हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पावर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। पार्षद निधि के द्वारा सभी वार्डों में कार्य किया जा रहा है। सभी वार्डों में 25-25 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन की व्यवस्था, 100 मिनी नलकूप की व्यवस्था की जा रही है। महानगर में अतिवृष्टि के समय नगर निगम, जीडीए, जिला प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई। उस समय 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, लेकिन कहीं पर भी जलजमाव नहीं होने पाया। आने वाले दिनों में गुरधुइया नाले का कार्य भी संपन्न हो जाएगा, जिससे गोरखपुर महानगर में कहीं भी जलजमाव नहीं होने पाएगा। उन्होंने कहा कि जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो विकास कार्य को भी अच्छे जगह पर लेकर जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर का कायाकल्प पिछले 5 वर्षों में होते हुए देखा है। इन 5 वर्षों में गोरखपुर में सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ, जल निकासी की उचित व्यवस्था हुई और कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास किया गया।
गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में खुले और बंद पड़ा खाद कारखाना प्रारंभ हो गया। रामगढ़ताल में कलाकारों के लिए शूटिंग करने के लिए एक बेहतरीन केंद्र भी स्थापित हुआ, जिससे रामगढ़ताल पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है। गोरखपुर सहित प्रदेश के सभी धर्म स्थलों को विकसित किया गया, जिसको सभी लोगों ने देखा है। इससे पहले हम लोगों को विकास परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता था, लेकिन अब मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम के द्वारा अनेकों विकास के कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर पहले न बिजली थी, न सड़कें थी। जब बारिश होता था तो पूरा शहर डूब जाता था, लेकिन जब गुड़धिया नाले का कार्य पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर कहीं पर भी पानी नहीं लगेगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जोड़ने वाले लोक कल्याणकारी मनोरथ से कृत संकल्पित उद्गत वंदन एवं अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर स्वागत वंदन एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन मंच पर उपस्थित माननीय महापौर महोदय, हार्दिक स्वागत माननीय विधायक कैंपियरगंज एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम अतिथि देवों के लिए हम माननीय महापौर महोदय से अनुरोध करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प कलिका भेंट करके कर्तव्यध्वनि के साथ माननीय के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन माननीय सांसद महोदय का। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे नगर निगम जनता को विकास की बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आए। मैं गोरखपुर की जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, शहर के सभी नागरिकों के तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही साथ इस मंच पर हमारे सांसद रवि किशन शुक्ला जी उपस्थित हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम ने बनाया है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ ही श्रीमती साधना सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विपिन सिंह जी, जो इस क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के, शहर के, ग्रामीण विधान सभा के विधायक है, इन्होंने विकास के मानक स्थापित किया है, मैंने गोरखपुर की जनता की तरफ से इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 85 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, अभी एक पूज्य महाराज जी आशीर्वाद दिए, 5 भाषाओं वाली फिल्म एक आ रही है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी में। 3 तारीख से पूरी यूनिट मलयालम से महाराज जी ने उनको बुला के आशीर्वाद दिया कि आओ विस्तार करो, रोजगार दो, यहाँ का कलाकारों को काम दो। महाराज जी बोले लाओ, मैं वहीं खड़ा था,
और महाराज जी बोले लाओ उसको दूध पिलाते तेंदुए के बच्चे को। तो आप लोगों तस्वीर देखे होंगे, पूरे देश में वायरल हुई। महाराज जी शेर शेर ही तो है, शेर ही तो शेर के बच्चे को दूध पिलाएगा क्या? शेर ही तो शेर के बच्चे को दूध पिलाएगा। जब हिंदू शेर होता है, जब आपकी रक्षा करता है, जब सनातनी विचारों को आवाज भी होगा लेकिन कोई किसी को परेशान न करे, जब एक ऐसी आवाज करे। श्री विंध्याचल जी का, जिन्होंने संचारी रोग में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र एवं दीपावली के लिए उपहार को प्राप्त करते हुए समाज के प्रमुख अंग श्रीमती रेखा जी, सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सफाई कार्य में उत्कृष्ट योगदान श्रीमती, तालियां बजती रहे इन लोगों का उत्साह जिन्हें माननीय डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए वाहन चार इसी क्रम में श्री आशुतोष मिश्रा जी, अरे हम भी तो इसी क्रम में पथ प्रकाश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले श्री के अपने आवास की चाबी को प्राप्त करें। पीएम स्वनिधि की लाभार्थी श्री नूरजहां जी, सन ऑफ स्वर्गीय सुभाष चंद्र जी पीएम स्वनिधि के लाभार्थी, योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। कर्ता धन के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम 215.97 करोड़ एवं 228 करोड़ की घोषणा। भारत माता की, बंदे बंदे बंदे। गोरखपुर महानगर से जुड़ी हुई लगभग 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, मान्य विधायक श्री बिपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नगर निगम के माननीय पार्षदगण और उपस्थित भाइयों बहनों, 280 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं महापौर, अपने दोनों विधायकों को, सांसद जी को और सभी 80 पार्षदों को हृदय से बधाई देते हुए महानगर वासियों को इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सब के प्रति दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, दीपावली के ठीक पहले नए परिसीमन के अंतर्गत गोरखपुर महानगर में 80 वार्ड बनेंगे। इन सभी 80 वार्डों के लिए आज 228 परियोजनाएं यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। पार्षद गणों के द्वारा इन सभी वार्डों में पार्षद की निधि से जो धनराशि अवमुक्त की जा रही है उन सब पर कार्य हो रहा है। प्रत्येक वार्ड के लिए 25-25 अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन के साथ साथ अलग से 100 मिनी नलकूप और एक बड़े गहरे नलकूप, इन सब को लेकर के 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जहां पर शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। महानगर के अंदर अतिवृष्टि में आपने देखा होगा, जहां गड्ढा होगा उसको छोड़ दें तो शेष
नगर निगम ने, विकास प्राधिकरण ने, जिला प्रशासन ने मिलकर के एक व्यवस्था बनाई और परिणाम रहा कि अतिवृष्टि में जहां पर ऊंचे स्थान थे वहां भी जल प्लावन हो गया था, लेकिन गोरखपुर महानगर में इस अतिवृष्टि के कारण मैं देख रहा था 3 तारीख की रात्रि से बारिश जो शुरू हुई 4 तारीख तक लगातार 12 घंटे तक बारिश थी। मैं उस दिन गोरखपुर में था और मैं पूछ रहा था कि भाई सिटी के अंदर कहां कहां पानी लगा हुआ है, एक आध जगह में निकला भी था, लेकिन जल निकासी की और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था गोरखपुर ने इस बार की, इसको और अच्छा बनाने की दृष्टि से ये सभी परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण कारगर साबित होने जा रही है, जिसमें 280 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और 280 परियोजनाएं ही हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो ये विकास के कार्य को भी ईमानदारी के साथ हर एक जगह लेकर के जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी के लिए कहा, सबका साथ और सबका विकास। गोरखपुर वासियों ने गोरखपुर का कायाकल्प पिछले 5 वर्षों के अंदर होते हुए देखा है। इन 5 वर्षों में सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य हुआ, जल निकासी की उचित व्यवस्था हुई, कूड़ा प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास हुआ, गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करके विश्व स्तरीय एम्स जैसे संस्थान गोरखपुर में खुले, गोरखपुर का बंद पड़ा काप कारखाना प्रारंभ हो गया, रामगढ़ ताल में श्री रवि किशन जी और सीताराम जायसवाल जी जैसे अभिनेताओं के लिए फिल्म करने के लिए एक बेहतरीन केंद्र भी विकसित हुआ, और साथ साथ रामगढ़ ताल पर्यटन के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित होते हुए गोरखपुर के तमाम धर्मस्थलों का सुंदरीकरण का कार्य हुआ। आज आप मानसरोवर में जाएंगे, सूरज कुंड में जाएंगे, महादेव झारखंडी में जाएंगे, आप अन्य धर्मस्थलों पर, गुरुद्वारों में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में जाएंगे, वहां पर पर्यटन विकास के माध्यम से बेहतरीन विकास की योजनाओं को आप लोगों ने जमीनी धरातल पर होते हुए देखा है। इससे पहले इस नगर निगम में हम लोगों को विकास की योजनाओं के लिए और जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि नगर निगम के, संभवतः नगर निगम का इस बोर्ड का ये अंतिम कार्यक्रम होगा जिसमें शासन के दिए गए पैसे से नगर निगम में पार्षद वरीयता के कार्यों को, नगर निगम की परियोजनाओं को और विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं का एक साथ यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। ये अपने आप में एक मानक बना है। गोरखपुर महानगर जो 5 साल पहले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा था, न बिजली थी, न सफाई थी, न सड़कें थी, 1 घंटे बारिश पड़ती थी पूरा महानगर जल प्लावित हो जाता था। आज 12 घंटे तक मूसलाधार बारिश पड़ रही है, और गोरखपुर में जब गुड़धोवा नाले का काम पूरा हो जाएगा तब एक बूंद पानी भी गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। यह भी हम लोग उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन विकास की योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी। आज गोरखपुर में जो भी आता है वो गोरखपुर की बदली हुई तस्वीर को देखकर के अभिभूत होता है, लेकिन जो कार्य हो रहे हैं इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए कि वह भी इन कार्यों को इस रूप में बनाए रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण गोरखपुर महानगर की छवि धूमिल होती हो, विकास बाधित होता हो, आम जनमानस को परेशानी होती हो। आज आप देख रहे होंगे चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है, कोई भी आता है उन चौराहों को देखता है अभिभूत होता है, लाइटिंग को देखता है अभिभूत होता है, नगर निगम के इस भव्य भवन को देखता है अभिभूत होता है, उसको लगता है ये नयापन है। और संभवतः
इस बोर्ड के लिए सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में सचमुच सौभाग्यशाली माने कि उन्होंने दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहाँ पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता, तो वहां जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है, उनको भी देखने और सुनने को ही मिलता। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं, जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं और सभी सड़कों को लेकर के जल निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के डोर टू डोर कलेक्शन हो, इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है और उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना है। जनभागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। नगर निगम और शासन धनराशि देकर के कूड़ा प्रबंधन का कार्य करेगा, लेकिन नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर का कूड़ा नाली के अंदर या सड़क पर नहीं फेंकेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, हम जबरदस्ती नाली के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, हम सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दिन में कहीं भी कोई लाइट अनावश्यक जलती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यह लॉस पहले तो नगर निगम का होगा, फिर राज्य का होगा और अंततः राष्ट्रीय क्षति होती है। हमें इससे बचाना होगा और इस दृष्टि आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है, आप सबने विकास में रुचि ली, आज गोरखपुर की तस्वीर बदली है, आज गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा बदली है। मैं पिछले दिनों यहाँ के जू में गया था, जो चिड़ियाघर है, प्राणी उद्यान है, आपने देखा कितने अच्छे अच्छे जानवर वहां पर आए थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं, उनको देख करके जीव जगत की जीवंतता नजर आती है, किस रूप में उनके अंदर जीवंतता है और उसे बनाए रखने के लिए गोरखपुर के अंदर जू भी इस दौरान मिल गया। गोरखपुर के पास अपना प्रेक्षागृह, मैं देखता था यहां प्रेक्षागृह के लिए 30 वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज गोरखपुर के पास अपना भव्य प्रेक्षागृह भी है। गोरखपुर के अंदर आज वह सब कुछ है जो किसी एक नगर को चाहिए, लेकिन भाइयों बहनों उसको संभाल के रखना और उसको बनाए रखना ये पूरे महानगर की जिम्मेदारी बनती है और उस महानगर की उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक होकर के उसके साथ जुड़ना होगा। दीपावली का पर्व आने वाला है, भीड़ भाड़ होगी, उसी दौरान हम सबका दायित्व बनता है हम अपने अपने वार्डों में विशेष अभियान चलाए स्वच्छता का, कहीं भी कूड़ा का तिनका ना दिखाई दे। अभी मंच पर महापौर जी बोल रहे थे कि लगता है आज रवि किशन मुझसे कुछ नाराज है, मैंने कहा आपसे नाराज नहीं है, आप उनकी प्रतिस्पर्धा में जा रहे होंगे, लेकिन यह तो उनको अच्छा लगेगा कि उनसे जवान व्यक्ति उनकी प्रतिस्पर्धा में आया है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा उस कूड़े के कारण वे लगता है आपसे नाराज होंगे। सफाई, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना होगा और ध्यान रखना होगा कहीं भी कूड़ा ना रहे, गंदगी ना रहे, हर जगह अच्छी सजावट हो, छिड़काव हो। भारी बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण आपने देखा होगा
बहुत जगह डेंगू फैलना है, वायरल फीवर आएंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां आएंगी। हम अगर हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, छिड़काव करेंगे, तो मच्छर बनने के पहले लार्वा स्थिति में ही वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बीमारी नहीं फैलेगी, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, त्योहार हर्षोल्लास के साथ उमंग के साथ हम मना पाएंगे। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी तमाम प्रकार की बीमारियां फिर से आएंगी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने तो मस्तिष्क ज्वर की कहर को देखा है। स्वच्छता के कारण, शुद्ध पेयजल के कारण, बेहतरीन प्रबंधन के कारण, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उन्नत करने के कारण आज मस्तिष्क ज्वर से होने वाली हजारों मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। आज हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। मासूम बच्चे जो पहले और समय इस बीमारी की चपेट में आते थे, आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यह एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम हुआ है, जो पुरुषार्थ हुआ है, उसे दैनिक जीवन में भी निरंतरता बनी रहेगी, बनी रहनी चाहिए। और जब हम इसको बनाए रखेंगे, उसके परिणाम उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन का देश को एक नया विजन दिया। स्मार्ट सिटी के अंदर प्रदेश के अंदर 10 सिटी विकसित हो रही है। अमृत योजना में 60 सिटी प्रदेश के अंदर विकसित हो रही है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो 7 अन्य नगर निगम है, जिनमें गोरखपुर भी है, उनको हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया। आज वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे के साथ ही संचालित हो जाती है। आज वहां पर अन्य अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जो हमारी सिटी को स्मार्ट बनाती है, लेकिन स्मार्ट सिटी के साथ हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे जब गोरखपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं, बड़ी डिमांड होती है कि ये बसेस पे प्राइस से भी चला दीजिए, भटड़ से भी चलाइए, चोरी चोरा से भी चलाइए, पिपीगंज से भी चलाइए, सैजनवा से भी चलाइए, बांसगांव और कोड़ीराम से भी चलाइए। हर एक जगह से मांग हो रही है कि इन बसेस को सिटी के जोड़ने के लिए इन सभी जगहों से जुड़वाइए। बसेस कितनी स्मूथली चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, चुपचाप सड़क पे चलती, यानी आपकी बगल से इलेक्ट्रिक बस निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर हॉर्न ड्राइवर हॉर्न ना मारे तो पता ही नहीं लगेगा। और इसलिए ये सुविधा आपको मिली है, इस सुविधा को सजोए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए अपने शहर को स्वच्छता के पथ पर अग्रसर करना, शासन के द्वारा दिए गए व्यवस्था को सजो के रखना, दीपावली के अवसर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना और छिड़काव को पर्याप्त मात्रा में अपने अपने वार्डों में करवाने के साथ साथ जो नए क्षेत्र आए हैं, उन नए क्षेत्रों के स्वागत के लिए भी विशेष प्रावधान करना। उनको लगना चाहिए कि नगर निगम क्षेत्र में आने पर हमें अब लाभ हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, कोई हमारा सुध लेने वाला है। और ये कार्य आज जिस तेजी के साथ प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि विकास के इन कार्यों के लिए शासन ने भी, नगर निगम ने भी, विकास प्राधिकरण ने भी पैसा दिया, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के महापौर जी ने, सांसद जी ने, विधायकों ने, पार्षदों ने अपने स्तर पर प्रयास किया। हर एक वार्ड के लिए कुछ न कुछ आज कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इन सभी कार्यों का, जिनका लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है, इन सभी संस्थाओं से, नगर निगम से भी, विकास प्राधिकरण से मैं कहूंगा, इन सभी कार्यों को मानक की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। कार्य के मानक और गुणवत्ता पर किसी को भी उंगली उठाने का अवसर न मिले और सामान्य नागरिकों के आवागमन पर भी निर्माण कार्य के दौरान विपरीत असर न पड़े। हमारा प्रयास हो क्वालिटी के साथ, जहां सीसी कार्य होने हैं, रात्रि के समय अगर हम करेंगे तो उस समय सड़क आवागमन के लिए खाली रहेगी, फटाफट बनाते हुए एक टेम्पररी मार्ग भी उस दौरान लोगों को आने जाने के लिए दे देंगे।
जिससे किसी भी व्यवस्था किसी को भी आने जाने में समस्या ना हो। अच्छी जल निकासी की व्यवस्था भी इन कार्यों के साथ दी जा रही है कि सड़क बनेगी तो जल निकासी की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी कार्य गोरखपुर महानगर को और नगर निगम चुनाव के पहले पहले ये सभी कार्य प्रारंभ हो, अच्छे ढंग से प्रारंभ हो, इस विश्वास के साथ मैं गोरखपुर के सभी महानगर वासियों को इन विकास कार्यों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पूरे महानगर वासियों को दीपावली की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम और विकास प्राधिकरण को अपने पूरी टीम के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए समयबद्ध ढंग से हम इन कार्यक्रमों को पूरा कर सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। देने के लिए दीपावली के पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम की राम दरबार की यह नगर निगम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में यह स्नेहिल भेंट हम सादर। दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि गोरखपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में महानगर की 280 करोड़ की 282 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना किया। उसके बाद मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेक अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। सुबह मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे और दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद को सुनेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बजे खजनी के उन्नवल नगर पंचायत पहुंचकर नए नगर पंचायत भवन का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जनपद में दिवाली पर्व के दृष्टिगत सभी ज्वेलरी के प्रतिष्ठानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद में दीपावली पर्व को देखते हुए सभी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की ड्रोन से निगरानी व पुलिस पीएसी एसएसबी जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी और समय समय पर फूड पेट्रोलिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी ज्वेलरी की दुकानों पर पुलिस के एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण सील रहकर निगरानी करेंगे, जिससे कि कहीं पर भी जाम ना लगने पाए और लोगों को एक सुगम यातायात मिले। इसके अलावा ट्रैफिक विभाग द्वारा भी पुलिस कर्मियों की विभिन्न चौराहों पर ड्यूटी लगाई जाएगी। पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास है कि दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न करवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए हमने ड्रोन से आसमान में निगरानी, ज़मीन पर पीएसी एसएसबी एवं पुलिस बल के द्वारा समय समय पर फुट पेट्रोलिंग एवं उसके साथ साथ सादे वस्त्रों में विभिन्न प्रकार की ज्वेलरी एवं भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर एवं ट्रैकर डॉग्स की और स्निफर डॉग्स की मेहनत के सहयोग से हम प्रयास कर रहे हैं कि दीपावली के त्यौहार पर
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो एवं आने जाने वाले लोगों को जाम से भी निजात मिले, इसके लिए भी अतिरिक्त ट्रैफिक बल की भी व्यवस्था की गई है एवं गोरखपुर शहर में इस बार का त्यौहार दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाया जाए, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। जितने भी महत्वपूर्ण ज्वेलरी के प्रतिष्ठान हैं उन सब पर एक एक या दो दो कांस्टेबल डिप्लॉय किए जाएंगे, इसके लिए आज सभी संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है एवं वो ड्यूटी डिप्लॉय आज ही हो जाएगी। थैंक यू। कैंट थाने की पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान लक्ष्मी निषाद पुत्र मिश्री लाल निवासी चपरा पूर्वी थाना घनघटा जनपद संत कबीर नगर, दूसरा हौसला निषाद पुत्र सीताराम निषाद निवासी तुरकौलिया थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, तीसरा श्याम लाल निषाद पुत्र बद्री निषाद निवासी अतरौलिया ग्राम रतुआ थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, चौथा सुभाष निषाद पुत्र राम आश्रय निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, पांचवा हरीश चंद्र गौतम पुत्र स्वर्गीय सोनेलाल निवासी ग्राम शराय नीलकांठ थाना जहांगीरगंज जनपद अंबेडकर नगर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का पिलास, पेचकस, चाबियों का गुच्छा, 99 ग्राम नशीला पाउडर, अल्पाजुलम, 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम सभी पहले से एक दूसरे को जानते हैं तथा एक साथ मिलकर बसों में यात्रा कर रहे लोगों का कीमती सामान चुरा लेते हैं। हम सभी पहले बस स्टॉप पर यात्रियों की रेकी करते हैं तथा उनके बस में चढ़ते ही तेजी से बस के आगे निकलकर अपने साथियों को मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। उसके बाद वे लोग बस में चढ़ जाते हैं और हम लोग 2 लोग मोटरसाइकिल लेकर बस के पीछे चलने लगते हैं। जब हमारे साथी बस यात्रियों को नशीला पाउडर खिलाकर पिलाकर या सुंघाकर बेहोश करके उनका सामान लेकर उतर जाते हैं तथा हम लोग इन्हीं मोटरसाइकिलों पर बैठकर भाग जाते हैं। यदि कोई हमारे बारे में जान भी जाता है तो हम लोग चाकू दिखाकर डराकर भाग जाते हैं। हम लोग घूम फिर कर अलग अलग शहरों में घटनाएं करते हैं ताकि पुलिस पकड़ ना सके। अभी भी हम लोग एक बस के पीछे ही चोरी करने ही जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि 5 अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक आशुतोष कुमार राय, कांस्टेबल आशुतोष यादव, शरद यादव, महिला कांस्टेबल ममता यादव शामिल रही। भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा महिला मोर्चा अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव के नेतृत्व में जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद्र ने बताया कि नए भारत का निर्माण केंद्र सरकार का बड़ा महत्व है। सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत सरकार की आधुनिकता और शक्ति बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जनधन योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अनेकों योजनाओं से देश में एक नई क्रांति का आगाज कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है। इस अवसर पर वाणी तिवारी, अनीता सिंह, विलोमा सिंह, दीपिका, सुमन जायसवाल, उत्साह दुबे, प्रांजल सिंह, सुभद्रा, कंचन मौर्या, शीला विश्वकर्मा, संजू निषाद, श्रेया तिवारी, बबीता मौर्या, शांति देवी, प्रतिभा पांडे, ममता गुप्ता, दीपक पांडे, बिंदु गुप्ता, आरती जायसवाल, मीनू गोयल, सिद्धि गुप्ता, मीरा दुबे, गायत्री देवी, सोनिया, सुमन जायसवाल, रचना गुप्ता, सुमन जायसवाल, उषा चौहान, सुमन मिश्रा, प्रतिभा सिंह, श्वेता श्रीवास्तव, लक्ष्मी चौबे, सुनीता गुप्ता सहित अन्य महिला मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अस्मिता चंद्र एवं महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव ने कहा, पार्टी
खुला तो देश भी आपके लिए बंद हो जाए। श्वेता श्रीवास्तव महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष जी, ये हम प्रशिक्षण महिला मोर्चा महानगर गोरखपुर में हो रहा है, जिसमें इसमें सभी बहनों की सहभागिता है और ये 4 सत्र में चल रहा है। ये हम लोग ये प्रशिक्षण और हमें सीखने को कुछ उद्देश्य है, जिसमें हमारे संगठन का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, इसकी जानकारी, इस हमारे संगठन की रीति नीति जो क्या है उसमें इस बातों को समझाया जाता है, बताया जाता है, आगामी चुनाव की कैसे हम तैयारी करें। और काफ़ी तरह के सत्र चलते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है महिलाओं के उत्थान, कैसे हम अपने भाजपा के उत्थान, इसमें सारे सत्र को समझाए जाते हैं, आगे आगे संगठन को हम कैसे लेके चल सके, हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, हम महिलाओं में संगठन की क्या सहभागिता है, ये सब सारे मतलब इसमें हम लोग करते हैं, ताकि हम अच्छी तरह से कहते हैं कि जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए वो पढ़ाई करता है, उसी तरह से ये हम लोग की जो प्रशिक्षण वगैरह एक पढ़ाई की सत्र की तरह है, जिसे में हम कुछ सीख कर इससे जिससे हम आगे आगामी आने वाले संगठनों के बारे में हम अपना खुद भी जानकारी ले और आने वाले हमारे संगठन में जो कार्यकर्ता नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं उनको भी हमको सिखाने का मौका मिलता है। यही हमारे 4 सत्र का उद्देश्य है और इसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वरिष्ठ हमारी दीदियाँ हमारा मार्गदर्शन करती है, इसका उद्देश्य है कि संगठन को हम कैसे मजबूत करें। कितना दिवस से ये एक दिन का है और 4 सत्र इसमें चलते हैं, चारों सत्र में हमारी अलग अलग मुख्य अतिथि आई हैं और उनके द्वारा हमारा अस्मिता चंदी हैं, अर्चना पहले सत्र में हमारी अस्मिता चंद दीदी है, दूसरे सत्र में अर्चना सिंह दीदी हैं और तीसरे सत्र में विजय लक्ष्मी मिश्रा जी है और चौथे सत्र में रजनी पांडे जी है, जो चारों का मार्गदर्शन हम सभी को मिल रहा है, जिससे आने वाले संगठन की मजबूती और इससे हमें क्या प्रेरणा मिली इनसे सीखने को मिलता है। मैं अस्मिता चंद, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा। प्रशिक्षण वर्ग का ये उद्देश्य है भैया कि मतलब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जैसे अभी तक जो है प्रदेश में हुआ है, फिर प्रदेश से क्षेत्र में प्रशिक्षण वर्ग हुआ है, अब ये जिले का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, फिर ये बहनें हमारी जो है वो मंडल में जाएंगी, वार्डों में जाएंगी और जो भी संदेश है भारतीय जनता पार्टी का उसको जो है हर घर पहुँचाएंगी। आगामी नगर निकाय का चुनाव है उसमें कितने पैसे? सॉरी, आगे नगर निकाय के चुनाव है। हाँ हाँ, नगर निकाय के चुनाव में जो है वो पूरी तरह से जो है हम लोग लग चुके हैं और निश्चित रूप से हम लोग का लक्ष्य है कि हर नगर में जो है वो कमल का फूल खिले और निश्चित रूप से खिलेगा भी और इससे जो है हम लोग को आने वाले 2024 में जो है काफ़ी मजबूती मिलेगी। जनपद में नदी का पानी एवं बरसात समाप्त होने के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जनपद में कल 59 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसमें से 2 मरीज को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसके संबंध में श्रीमान डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि बरसात के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जनपद में 59 मरीज पाए गए हैं, जिसमें 2 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि घर के अंदर किसी भी पानी रुकने वाले वस्तु को ना रखें तथा फ्रिज कूलर के पानी को हफ्ते में साफ करते रहें तथा फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, बच्चों को स्कूल भेजते समय फुल आस्तीन का कपड़ा पहनाएं तथा मच्छर विरोधी अपने शरीर पर क्रीम लगाएं। उन्होंने कहा कि घर में तुलसी, गेंदा और लेमन ग्लास का पौधा लगाएं, जिससे मच्छर से बचाव किया जा सके। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करें और जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जा रही हैं उनका भरपूर सहयोग करें। उन्होंने बताया कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कहीं पर डेंगू पनपने ना पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह की स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी है? देखिए, डेंगू की बारिश के बाद से डेंगू के मरीजों में की संख्या में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य हुई है और इस वृद्धि के कारण जो है जनपद भी नहीं रहा है और वर्तमान समय में 59 केसेज हमारे पास हैं, 2 मरीज भर्ती हैं, लेकिन सुखद समाचार ये है कि कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने घरों के चारों तरफ साफ़ सफाई रखें, कहीं पर भी पानी एकत्र ना होने दें, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर या मोहल्ले में। अपनी टंकियों की सफाई रखें, अपने कूलरों की सफाई करें, कोई भी जो टूटे फूटे कबाड़ छतों पर हैं उनको छाए में रख दें और घर में फ्रीज की पानी की ट्रे को साफ़ करें
और कोशिश ये करें कि पूरी बांह का कपड़ा पहने, जो शरीर का खुला भाग हो उस पर मच्छर रोधी क्रीम लगावें, और बच्चों को स्कूल में भी पूरी फॉर्म यूनिफॉर्म जो है पूरी होनी चाहिए और खुले भाग पर मच्छर रोधी क्रीम लगा करके बच्चों को भेजें। इसके अलावा घरों में जैसे तुलसी का पेड़ है, लेमन ग्रास और गेंदे का पेड़ लगावें, जिससे मच्छर से हम लोग बचाव किया जा सके। और सजगता सतर्कता के साथ साथ मच्छरदानी का प्रयोग करें रात में सोने के लिए, और प्रत्येक रविवार को अपने घरों का मूल्यांकन कीजिए, अवलोकन कीजिए कि कहीं पर भी पानी एकत्र ना होने पाओ। इसके अलावा लोगों को में भी जागरूकता पैदा करें, और जो हमारी टीमें, स्वास्थ्य टीमें घर घर जा रही हैं, जो घरों का निरीक्षण कर रही हैं, उनका सहयोग प्रदान करें। सर, किन क्षेत्रों में ज़्यादा मरीज पाए जाएंगे? देखिए, शहरी क्षेत्र में मरीज ज़्यादा हैं, खास करके वहाँ जहाँ पर सघन आबादी है, उन क्षेत्रों में मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 280 करोड़ की 282 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तब कार्य भी होता है अच्छा। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को उन्नवल के नए नगर पंचायत भवन का करेंगे लोकार्पण। दीपावली पर्व के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा महानगर के सभी ज्वेलरी के प्रतिष्ठानों पर एक कांस्टेबल की लगाई जाएगी ड्यूटी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। शातिर चोरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिलास, पेचकस, चाबियों का गुच्छा, 99 ग्राम नशीला पाउडर, 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम सकुशल हुआ संपन्न। ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कर रही है अनेकों कार्य। जनपद में नदी व बरसात का पानी समाप्त होने के बाद बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। सीएमओ ने कहा, अभी तक जनपद में पाया गया है 59 डेंगू के मरीज। सबसे ज्यादा मरीज है शहर क्षेत्र में। बचाव के लिए पहने फुल आस्तीन का कपड़ा, सोते समय करें मच्छरदानी का प्रयोग। जनपद में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा कि पटाखों को जलाते समय सूती वस्त्र का करें प्रयोग, पास में रखें बाल्टी का पानी। .550 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवंबर से गोरखपुर मंडल के 469 धान क्रय केंद्रों पर शुरू होगा धान खरीदारी का कार्य। जीडीओ उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। दीपावली पर्व के दृष्टिगत सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बाहर से आते समय किसी भी व्यक्ति के दिए हुए सामानों को ना खाएं। दीपावली पर ना करें शराब का प्रयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर हो जाता है दुर्घटना। और जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में आई कमी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, कुछ दिनों में नदियों का पानी हो जाएगा सामान्य, बाढ़ हो जाएगा खत्म। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद में दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए अग्निशमन विभाग द्वारा आतिशबाजी होने वाले अग्नि दुर्घटना में जनधन की हानि को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व में आतिशबाजी ज्यादा होती है, जिसको देखते हुए जनपद में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद में आतिशबाजी की
कुल 36 दुकानें हैं। इन दुकानों को मानक के अनुसार सभी व्यवस्था कराई गई है। उन्होंने कहा कि अग्निशमन के पास 17 गाड़ियां हैं, जिसको जहां आवश्यकता होगी वहां पर लगा दी जाएगी। शहर में 21 अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें हैं, वहां पर किसी प्रकार की दुर्घटना न होने पाए इसलिए वहां पर भी गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली के पटाखों को छोड़ते समय सावधानी बरतें, सूती कपड़ा पहने, आंख में चश्मा लगाएं, आतिशबाजी करते समय किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो सके तथा आतिशबाजी करते समय बाल्टी का पानी पास में रख लें। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री को लेकर लोगों को पंपलेट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है तथा अग्निशमन द्वारा पटाखों को बनाने व बेचने वाले दुकानों को लगातार टीम बनाकर चेक किया जा रहा है तथा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था मानक के अनुसार पूर्ण रूप से कराया जा रहा है ताकि दीपावली का पर्व सकुशल सम्पन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी टीके सिंह ने कहा, सर दीपावली पर्व को लेकर अग्निशमन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? दीपावली पर्व हिंदुओं का बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाना पर्व है। इसमें आतिशबाजी की बहुत खरीदारी और विक्रय विकार होता है, जिसको देखते हुए इसमें पूरा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद गोरखपुर में कुल 23 आतिशबाजी बनाने और बेचने की हैं और 13 केवल बेचने की हैं। अस्थायी तौर पे कुल 36 दुकानें हैं, उनका सबका चेकिंग कर लिया गया है। मानक के अनुसार उनको सबकी व्यवस्था करा दी गई है। सारी दुकानें आबादी से दूर हैं, वहाँ पे पानी की बाल्टी और ड्रम और एक्सटिंग्विशर और बालू पर्याप्त मात्रा में मानक के अनुसार सब में चेकिंग करके सब व्यवस्थाएँ कराई गई हैं। इसके अलावा शहर में कुल 21 स्थानों पर अस्थायी लाइसेंस ये दुकानें लगती हैं, जिसमें जहाँ पे भीड़ भाड़ और ज़्यादा संख्या में दुकानें लगती हैं सब जगह फायर के टेंडर गाड़ियां वहां पे मौके पे खड़ी रहेंगी। सभी स्थानों पे गाड़ियां फैला दी जाएंगी। सभी स्टेशन पे केवल एक गाड़ी रोक के सभी जितनी गाड़ियां जनपद में उपलब्ध हैं सभी आतिशबाजी दुकानों पे चौराहों में भीड़ भाड़ स्थानों पे जिससे रिस्पांस टाइम कम हो को देखते हुए सबको ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं और तमाम टीमें गठित की गई हैं। जो भ्रमणशील हैं वो जहाँ पे दुकानें लगेंगी उनको भी है कि वहाँ पे पानी 200 लीटर और बालू 2 एक्सटिंग्विशर रखेंगे, समुचित एक दुकान से दूसरे दुकान के मध्य की दूरी बराबर मेंटेन रखेंगे, कोई नाबालिग लोग विक्रय कार्य नहीं करेंगे और जो लाइसेंसी है वो मौके पे उपस्थित उनके द्वारा ही किया जाएगा। उस परिसर में कोई क्रेता या विक्रेता किसी के पास ज्वलनशील दिया सलाई या कुछ इस तरह से सामग्री पूरी तरह से वर्जित है और कोई बड़ी गाड़ियों का वहाँ पर जाना भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और हमारी टीमें वहाँ पे रहेंगी, जो आतिशबाजी खरीद के ले जा रहे हैं वो सुरक्षित उसको पैक करके ले जाएं, रास्ते में किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। ऐसे आतिशबाजी जो मानक के अनुरूप नहीं हैं, जो ज़्यादा डेसिबल के हैं, जो प्रतिबंधित हैं, उनको किसी प्रकार से क्रय न किया जाए। जो पटक के दगाने वाले पटाखे हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, उनको क्रय न किया जाए, न विक्रय किया जाए। इस पर पूरी सतर्कता आदेश बनाए जा रहे हैं और क्रेता को भी जागरूक किया जा रहा है। पटाखा खरीद ले जाने के बाद कोशिश करें कि एक दिन दो दिन पहले रखें और सुरक्षित स्थान खुले में रखें, घर के अंदर न रखें, कोई ऐसी जगह जहां स्पार्क हो ऐसी जगह उनका स्टोरेज न किया जाए। और आतिशबाजी प्रयोग करते समय खुले स्थान पर या छत पर प्रयोग करें, ये ध्यान रखें कि यहाँ आसपास कोई जलने वाली चीज़ नहीं है। कभी कभी रॉकेट एक घरों से दूसरे घरों में पर या दुकानों में चले जाते हैं, तो उसके लिए भी जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को अकेले आतिशबाजी छुड़ाने के लिए उनको न छोड़ा जाए और काटन के कपड़े पहने, चुस्त टाइट कपड़े पहने सब लोग आतिशबाजी छुड़ाते समय। और वहाँ पे जहाँ भी आतिशबाजी छुड़ाते हैं वहाँ पे पानी बाल्टी में रखें, मग्गा रखें, और जो पटाखे नहीं छूटते हैं कभी प्राय उनको जो है लोग दोबारा प्रयास करते हैं तो ऐसा प्रयास कर न करें, उनको इसी तरीके से छोड़ दिया जाए और उनसे दूरी बना के आतिशबाजी किया जाए। इस तरीके से जागरूक अभियान चलाया जा रहा है और हम लोगों ने 2316 सचेतक बनाए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको भी जागरूक किया जा रहा है। और हम लोग ने यहाँ लोकल तमाम संस्थानों से बाटिंग प्लांट से पंपलेट छपवाए हैं, सावधानी सतर्कता को देखते हुए उनका प्रचार प्रसार वितरण भी किया जा रहा है और वृहद स्तर पे इसको चलाया जा रहा है। और उम्मीद है कि इस तरह से जो हम लोग अभियान चला रहे हैं इससे सुरक्षित और खुशहाली दीपावली पर्व अच्छे से मनाया जाएगा और कभी किसी प्रकार का हादसा नहीं हो पाएगा। प्रशासन और हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और बारीकी से इस पर पूरा वो चल रहा है, तो उम्मीद है कि बढ़िया से अच्छे से त्यौहार हर साल के बाद इस साल भी सकुशल संपन्न होगा। कितनी गाड़ियां और कितने जवान ड्यूटी? 17 गाड़ियां हमारे पास हैं। सभी गाड़ियां सभी फायर स्टेशन पे एक एक गाड़ी छोड़ के सभी जो डिप्लॉयमेंट कर दी जाएंगी, सभी लगा दी जाएंगी। और 21 अस्थायी दुकानें हैं जो शहर में जहाँ पे लाइसेंस खुले ज़्यादातर उसमें
इंटर कॉलेज में है, खुले पार्क में है, सारे बाहर हैं आबादी से, और जहाँ पे 50 से अधिक दुकानें हैं सब जगह हमारी गाड़ियाँ मौके पे वहाँ पे उस स्थान पे खड़ी रहेंगी और वहाँ पे प्रचार प्रसार भी करती रहेंगी और सुरक्षा के तौर पर मुस्तैद रहेंगे। जब तक दुकानें खुलती और बंद नहीं हो जाती तब तक वहाँ पे मुस्तैदी से 22 तारीख से लगा दी जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसे आतिशबाजी खरीदें जो कि जो कंपनी के मेड हों और मानक के अनुसार हों, ज़्यादा आवाज़ वाले बम वाले न खरीदें, पटकने वाले पटाखे न खरीदें, और उसको ले जाते समय भी सुरक्षित पैकिंग करके घर पे ले जाएं और घर में उसका स्टोरेज सही जगह पे एक दो दिन पहले ही खरीदें, ज़्यादा पहले से उसको इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को आतिशबाजी करते समय उनको खुले अकेले न छोड़ा जाए, उनके साथ बड़े लोग रहें वहाँ पर, कपड़े कॉटन के हों और चुस्त हों, टाइट हों, और जहाँ पे खुले स्थान पर आतिशबाजी करते समय वहाँ पे पानी का बाल्टी, दो बाल्टियाँ मग्गा स्टोरेज करें और आसपास कोई जलने वाली चीज़ नहीं उसको ध्यान में रखते हुए रॉकेट को भी सावधानी से उसको बोतल में रख के सीधा करके ही उसको छुड़ाएं। इन सब चीज़ के लिए हम लोग एक जागरूक कर रहे हैं जिससे कि खुशहाली का पर्व जो है खुशहाली से इसको मनाया जाए, किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का कोई हादसा न हो और सुरक्षित दीपावली मनाएँ और सब लोग खुशहाली से इस त्यौहार को संपन्न करें। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनुज आर्य पुत्र रामचंद्र प्रसाद निवासी बेतियाहाता हरिजन बस्ती थाना कैन जनपद गोरखपुर, हाल पता पथरा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 3.550 किलोग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, आजाद चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम आनंद सिंह, उप निरीक्षक हरिप्रकाश यादव, हेड कांस्टेबल ज्ञानधरी पाल, सर्वजीत यादव, कांस्टेबल पवन कुमार शामिल रहे। मंडल में 1 नवंबर से सभी जिलों में धान खरीद का शुभारंभ किया जाएगा, जिसके संबंध में जीडी उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मंडल में 1 नवंबर से धान खरीद की शुरुआत होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, सभी क्रय केंद्रों को खोल दिया गया है। हम लोगों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा धान की खरीदारी की जाए, इसके अलावा सभी धान क्रय केंद्रों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को किसी तरह की समस्या ना हो, शासन द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही धान की खरीदारी की जाए तथा कंट्रोल रूम के नंबर सभी क्रय केंद्रों पर लगा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें। मंडल में कुल 469 धान क्रय केंद्र को खोला जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष व संभागीय खाद्य नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, देखिए 1 नवंबर से हमारे मंडल में जो है धान खरीद की शुरुआत होगी, इसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हम लोगों ने कर ली हैं। जो क्रय केंद्र थे वो हमारे खुल चुके हैं, जो मिल अटैचमेंट होने हैं उसका कार्य भी चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इस बार अच्छी धान खरीद हम लोग यहाँ पर कराएँ, इसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या दिशा निर्देश दिए हैं धान क्रय केंद्रों को? सभी को हम लोगों ने ये कहा है कि जो क्रय केंद्र होंगे उन पे किसान को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जितने भी अभिलेख हैं वो एक जैसे मेंटेन होने चाहिए, आई कार्ड सबके पास होना चाहिए, जितने भी हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं वो सारे क्रय केंद्रों पे लिखे होने चाहिए। और मैं भी फील्ड में विजिट करूँगा, बाकी अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वो भी अपने समय समय पर फील्ड विजिट करें और सभी जिलाधिकारी महोदय से और जो जिला खरीद अधिकारी हैं उनके जो SDM हैं उन सब से हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं और मंडल में एक अच्छी धान खरीद हम इस बार करेंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चिन्हित भी किया धान क्रय केंद्र, वो कितने क्रय केंद्र हैं? इस बार 469 धान क्रय केंद्र जो हैं हमारे खुलने हैं और लगभग हमारे क्रय केंद्र जो हैं खुल चुके हैं, 15-20 जगह बचे हुए हैं जो कि इसी हफ्ते में पूरे हो जाएंगे और 1 तारीख से पहले हम अपनी पूरी तैयारियाँ जो है सम्पन्न कर लेंगे।
सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दीपावली पर्व के दृष्टिगत नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली का पर्व आने वाला है और जगह जगह पर दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको देखते हुए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि सतर्कता पूर्वक ही त्योहार मनाए। दीपावली पर्व हम भारतीयों का एक प्रमुख पर्व है, इसमें सभी लोग बहुत पहले से ही तैयारियां करते रहते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लोगों के साथ छलावा करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोग कई तरह से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रेन से आते समय किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए सामान को ना खाएं, क्योंकि अधिकतर लोग इन सामानों में नशीला पदार्थ मिला लेते हैं और लोगों को लूट लेते हैं। घरों में लगाने वाली झालर को बिजली के मिस्त्री से ही लगवाएं, नहीं तो किसी को करंट लग सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति दीपावली पर अल्कोहल ना ले, क्योंकि अल्कोहल लेने से वाहन अनियंत्रित हो जाता है और दुर्घटना के लोग शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा खोआ खरीदते समय सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो कि नकली खोआ बेचते हैं, इससे सेहत खराब होता है और लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए दीपावली का पर्व अब एक सप्ताह से कम का समय रह गया है और जगह जगह दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके दृष्टिगत रखते हुए आम लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि काफ़ी सजगता सतर्कता बरत कर ही हम लोग जो है अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। दीपावली का त्यौहार हमारा एक प्रमुख त्यौहार होता है, इसमें हम लोग काफ़ी दिनों से दीपावली की तैयारियां करते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से करते हैं, तो इसलिए इसमें तमाम तरह के समाज में जो गुनहगार लोग होते हैं वो भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं, उनके साथ छलावा करते हैं, कई तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम सबका ये दायित्व होता है कि हम लोग जो है आम जनता से अनुरोध करें और उनको सजग समझें। सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे जो भाई विदेशों में रहते हैं या अन्य प्रांतों में रहते हैं, वो कमा करके अपने त्यौहार मनाने आते हैं, रास्ते में उस जहरखानी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैं कहता हूँ कि जब आप अपना खाने पीने का सारा सामान अपने पास रखिए, रास्ते में किसी भी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी खाद्य पदार्थ सामग्री न लें, न बिस्किट लें, न पानी लें, न चाय पिए किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये लोग जो है दोस्ती गांठ करके आपको नशे की टैबलेट्स दे देते हैं और उसके बाद आपका सामान लूट लेते हैं। इसके अलावा दीपावली में घरों की साफ़ सफाई की जाती है, साफ़ सफाई के दौरान थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि जो पेंट होते हैं इनसे तमाम तरह की फ्यूम्स निकलती है, खास करके उन घरों में जहाँ पर जो है सांस के रोगी रहते हैं उनमें सांस का अटैक पड़ने की संभावना रहती है। तो ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है, अगर आपके घर में कोई सांस का रोगी है तो घरों की पुताई रंगाई के समय उसे घर से बाहर वो रहे, और जब भी झाड़ू लगावें या इस तरह की हो तो बेड पोछे से लगाया जाए, बहुत ज़्यादा धूल न उड़े जिससे हम उसमें यूँ कर लें। इसके अलावा दीपावली में हम लोग जो है घरों में झालरों की सजावट करते हैं, तो झालरों से मेरा अनुरोध ये रहता है कि झालर जो है बिजली के मिस्त्री से ही लगवाया जाए, स्वयं तार को जोड़ना काटना न सुनिश्चित करें, अन्यथा जो है बिजली के करंट से हमें शिकायत हो सकती है। इसके अलावा दीपावली के जिस त्यौहार जो होता हमारा सप्ताह होता है, काफ़ी उत्सव होता है, सब लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं, तो इस दौरान जो है कुछ लोग जो है अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो मैं सलाह दूंगा कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल लेने के बाद जो है अपने वाहन अनियंत्रित वाहन चलाते हैं जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से हाथ पैर टूट जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो मैं इस पर भी सलाह दूंगा। इसके अलावा दीपावली के समय में हम लोग अपनी खुशियां मनाने के लिए त्यौहारों पर मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, मिठाइयां लेते हैं, खाते हैं, तो मैं लेकिन समाज में मिलावटखोर लोग काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूंगा कि मिठाई की दुकान जो बहुत ही प्रतिष्ठित है वहाँ से ही लें, खास करके खोए की मिठाई लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि आज की तारीख में जितना खोए की मिठाई बाज़ार में है उतना तो खोया या दूध होता ही नहीं है, तो मिलावटखोर हमारी आपकी करते हैं, और मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए वो उसमें अखाद्य रंग मिला देते हैं जो हमारे शरीर को कैंसर तक की बीमारी तक हमें पहुंचा सकते हैं या रीनल फेलियर की बीमारी तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि अगर संभव हो तो मिठाई का प्रयोग मत कीजिए, घर की बनी हुई मिठाइयाँ खुद बनाइए, लड्डू खुद घर में बनाइए, सोहन पापड़ी घर में बनाइए,
मीठी चीज़ अपनी बना करके उसका आदान प्रदान करें, बाज़ार के जो मिलावट खोर लोग हैं उनसे बचाव कीजिए। कुरीत कह लेती है कि पटाखे चलाने की होती है, पटाखे चलाने में हम लोग अत्यंत असावधानी बरतते हैं, खास करके छोटे बच्चों में अत्यधिक क्रेज़ होता है। तो उस संबंध में आपके चैनल के माध्यम से गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूँगा, छोटे बच्चों को पटाखे कतई न जलाने दो। अगर बच्चे चलाने में जिद करते हैं तो उनके साथ आप स्वयं रहें। पटाखे चलाने के पहले कुछ आवश्यक निर्देश होते हैं, उनका पालन अवश्य कीजिए। जहाँ पर पटाखे छोड़े जा रहे हैं वहाँ पर जाने के पहले पूरी बांह का सूती कपड़ा पहनना चाहिए, पूरा फुल पैंट हो या फुल शर्ट पहनना चाहिए, पैर में चप्पल की जगह जूते होना चाहिए और आँखों पर चश्मे होने चाहिए। जहाँ पर आप पटाखे छोड़ रहे हैं वहाँ पर पानी की एक बाल्टी ज़रूर होनी चाहिए और पटाखों को कभी भी हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। पटाखों को कम से कम 2 से 3 मीटर लंबे डंडे के आगे कपड़ा बांध करके उसे ज्वलनशील बनाया जाए और उसी से पटाखे छोड़े जाए। बहुत बार हमारी आदत ये होती है कि जो पटाखे अनजले रहते हैं उनको हम हाथ से पकड़ लेते हैं और वो हमारे हाथ में ही फूट जाते हैं, या कुछ पटाखे जैसे मिर्चे होते हैं या अनार होते हैं उसको हम अपने हाथ में लेके जलाते हैं, कभी कभी हमारे हाथ में ही फूट जाते हैं, उसे हम अंग भंग हो जाते हैं। तो इन सब एहतियातों को हमें बरतना होगा और ख़ास करके जो हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं या जो हृदय के रोगी होते हैं या जो गर्भवती माताएं होती हैं, इन लोगों को जहाँ पटाखे चलते हैं वहाँ कतई नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग ये सजगता और सतर्कता रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी दीपावली शुभ दीपावली होगी। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, यह अकेले नहीं मनाया जाता, ये अपने साथियों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने में उन गरीब तबकों के साथ मिलकर मनाया जाता है जो आर्थिक रूप से संबल नहीं है। स्वयं खुद खाएं, दूसरों को खिलाएं, आपसी प्रेम का प्रवाह करें, यही दीपावली का त्यौहार है, ना कि अल्कोहल पीना, जुआ खेलना, पटाखे छोड़ना या मुनाफाखोरी की दृष्टि से अपने समाज को दिग्भ्रमित करना। जनपद में बाढ़ के दृष्टिगत नदियों के जलस्तर में कमी हो रही है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में मिली सूचना के अनुसार सभी नदियों का जलस्तर घट रहा है। तहसीलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी नदियों का पानी तहसीलों में घट रहा है। उन्होंने बताया कि तहसीलों में जैसे जैसे पानी घट रहा है वहाँ पर दवाओं का छिड़काव और सफाई करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है, अगले कुछ दिनों में बाढ़ समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में बाढ़ है वहाँ पर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अभी तक 23,000 से ज्यादा राशन किट का वितरण किया जा चुका है और जिन लोगों का बाढ़ से घरों की क्षति हुई है उनको राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए अब आज जो रिपोर्ट हमें मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई मंडल से और सेंट्रल वाटर कमीशन से प्राप्त हुई है, उसके अनुसार अब सभी जगहों से नदियां उतार पर आ गई हैं और तहसीलों से भी जो समीक्षा हुई है उसके अनुसार भी नदियां अब काफ़ी तेज़ी से घट रही हैं। आज अपर जिलाधिकारी वित्तम राजस्व सर द्वारा भी सभी तहसीलों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की गई है और जैसे जैसे अब पानी उतर है उन सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप में छिड़काव और सफाई कार्य संचालित किए जाने हेतु दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो अभी जो बाढ़ की स्थिति है अगले कुछ दिनों में ये समाप्त हो जाने की संभावना है। सर जिन क्षेत्रों में बाढ़ है उसमें राशन पैकेट देखिए राहत खाद्यान्न सामग्री किट का वितरण लगातार किया जा रहा है। जहाँ जहाँ से पानी उतरता जा रहा है उन उन ग्रामों में राहत खाद्यान्न किट वितरित किया जा रहा है। अब तक जब तक कल तक तो 23,090 किट वितरित हुए थे, आज भी वितरण चल रहा है और यह आशा की है, उम्मीद है कि आज भी करीबन 3,000 परिवारों तक राहत खाद्यान्न किट की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाए। लगातार कम्युनिटी किचन भी चल रहे हैं ताकि लोगों को पका भोजन भी मिल सके। तो अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी
जाएगी। देखिए किंतु जिनके भी नुकसान हुए हैं, जिनके भी घर प्रभावित हुए हैं, उन्हें राज्य आपदा मोचक निधि गाइडलाइन के अनुसार अनुमन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 280 करोड़ की 282 विकास परियोजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम परिसर में किया लोकार्पण व शिलान्यास। कहा, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तब कार्य भी होता है अच्छा। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बुधवार को उन्नवल के नए नगर पंचायत भवन का करेंगे लोकार्पण। दीपावली पर्व के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा महानगर के सभी ज्वेलरी के प्रतिष्ठानों पर एक कांस्टेबल की लगाई जाएगी ड्यूटी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने दी जानकारी। शातिर चोरों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का पिलास, पेचकस, चाबियों का गुच्छा, 99 ग्राम नशीला पाउडर, दो अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। भाजपा महिला मोर्चा महानगर द्वारा अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिला प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम सकुशल हुआ संपन्न। ने कहा, केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कर रही है अनेकों कार्य। जनपद में नदी व बरसात का पानी समाप्त होने के बाद बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। सीएमओ ने कहा, अभी तक जनपद में पाया गया है 59 डेंगू के मरीज। सबसे ज्यादा मरीज है शहर क्षेत्र में। बचाव के लिए पहने फुल आस्तीन का कपड़ा, सोते समय करें मच्छरदानी का प्रयोग। जनपद में दीपावली पर्व के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग द्वारा लोगों में जागरूकता के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा कि पटाखों को जलाते समय सूती वस्त्र का करें प्रयोग, पास में रखें बाल्टी का पानी। तीन 3.550 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक शातिर अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवंबर से गोरखपुर मंडल के 469 धान क्रय केंद्रों पर शुरू होगा धान खरीदारी का कार्य। जीडी उपाध्यक्ष व संभागीय खाद नियंत्रक महेंद्र सिंह तंवर ने दी जानकारी। दीपावली पर्व के दृष्टिगत सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बाहर से आते समय किसी भी व्यक्ति के दिए हुए सामानों को ना खाएं। दीपावली पर ना करें शराब का प्रयोग। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर हो जाता है दुर्घटना। और जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर में आई कमी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, कुछ दिनों में नदियों का पानी हो जाएगा सामान्य, बाढ़ हो जाएगा खत्म। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।